क्या सच में एलियन होते हैं? यदि इसका जवाब हाँ है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वाकई में एलियन होते थे। दरअसल यह बेहद ही चौंका देने वाला मामला है। वैसे हमने एलियन की कहानियां कई दफा सुनी हैं। यदि एलियन के वजूद होने का कोई सबूत मिल जाए तो ये जानकर आप दंग हो जाएंगे। बता दें कि हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मैक्सिको संसद में 1000 साल पुरानी एलियन लाशों को प्रदर्शित किया गया। लाइव स्ट्रीमिंग में यह पता चला है कि इन कंकालों के हाथ और पैर में 3 उंगलियां थी। मौसान ने बताया है कि यह धरती के नहीं हो सकते क्योंकि यह मानव कंकालों से बिल्कुल अलग है। मैक्सिको की कांग्रेस ने 1000 साल पुरानी एलियन लाशों को प्रदर्शित किया। इन लाशों को पेरू के कुस्को में खदानों से बरामद किया गया था। इन लाशों को सभी लोग देख सकते हैं, इसलिए खिड़की वाले बॉक्सों में इन्हें रखा गया था। कंकालों के नमूने से प्राप्त डीएनए का परीक्षण किया गया और इसकी तुलना अन्य डीएनए से की गई, जिसके बाद यह पता चला है कि नमूनों का 30% से अधिक डीएनए अज्ञात था। इन्हें यूएफओ विशेषज्ञ जैमी मौसान ने संसद में प्रदर्शित किया। मौसान ने अपनी सुनवाई के दौरान मैक्सिको सरकार और अमेरिका के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मौसान ने बताया है कि वो प्राणी नहीं है जो यूएफए के मलबे के बाद पाए गए थे। लाइव स्क्रीनिंग में इनका एक्सरे भी दिखाया गया, जिसमें पता चला है कि अंदर एक रॉड और एक अंडे की तरह कोई वस्तु भी थी। अगर आप ये खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर हमें ये बताइए कि आप अपने राज्य में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा।